माझ्या पालकांना वाटत होते मी डॉक्टर व्हावं, पण मी डी च्या ऐवजी ए कॉलेज निवडले आणि ऍक्टर झालो, असे मत प्रसिद्ध हिंदी चित्रपट अभिनेते चंकी पांडे यांनी व्यक्त केले. निमित्त होते संजय भोकरे ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या सौहार्द 2023 उद्घाटन सोहळ्याचं. यावेळी त्यांनी मा मामिया, मेरा बाप अमेरिकन पास्ता, मेरी माँ इंडियन सेवया पास्ता, मेरी बहन नेपाली पास्ता और मैं आखरी पास्ता यांसह आपल्या खास डायलॉगबाजी आणि नृत्याविष्कारासह विद्यार्थ्यांसोबत अक्षरशः हंगामा केलाय. त्यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष संजय भोकरे, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ भोकरे, व्यवस्थापकीय संचालिका चिन्मयी भोकरे, कार्यकारी संचालक डॉक्टर दीपक मुदगुल, उद्योजक बाबासाहेब गुंजाटे आदी जण प्रमुख उपस्थित होते. सळसळता उत्साह आणि निश्चल स्वभावाने सर्वांना हर्षोल्लासित करणाऱ्या चंकी पांडे यांची भोकरे इन्स्टिट्यूटमध्ये एंट्री होताच सौहार्दमध्ये एकच उल्हासी माहोल निर्माण झाला. कार्यक्रमाचा प्रारंभ संस्थेचे प्रेरणास्रोत श्री हनुमान पूजनानं झालं. चंकी पांडे यांनी भाषणाला फाटा देत विद्यार्थ्यांशी प्रश्नोत्तराद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांच्या कारकिर्दीच्या आग ही आग या चित्रपटाच्या सुरुवातीपासून ते तेजाबमधील सो गई सारी मंजिल, सो गया हे सारा रस्ता या गाण्यासह विविध चित्रपटातील भूमिकांवर प्रकाश झोत टाकला. जब मेरी फिल्में रिलीज होती है, आप लोग टिकट खरीदो, मेरी फिल्म हिट बनाओ और मैं फिर हिंदुस्तान का सबसे फेमस आदमी बन जाऊंगा. I'm not joking. Yes, please. सर, हमारे इस विजय सर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ एक एक कैसा लगा? क्या 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 यहाँ आके कैसा लगा आपको इस कैंपस और स्टूडेंट देख के? सांगली कमाल की जगह. मैं रात को इधर पहुंचा, बॉम्बे में 30 डिग्री था, सांगली में 16 डिग्री था. रात को मैं तो स्वेटर पहन के सोया हूँ. रात को क्या ब्यूटीफुल वेदर. अगर बॉम्बे में होता इस वक्त तो पसीने पसीने छूट जाते. यहाँ तो ऐसे लग रहा है एयर कंडीशन है भाई. सांगली इज ब्यूटीफुल. इतनी खुली खुली जगह है. एंड देन ऑफ कोर्स द संजय भोकरे इंस्टीट्यूट. भाई ऐसा इंस्टीट्यूट मुंबई में भी खोलो ना, मजा आ जाएगा. मैं और 2-4 बच्चे पैदा करके इसी कॉलेज में भेजूंगा. भावना मुझे डंडे मारेगी. अगर सर ये फील्ड नहीं होता, बॉलीवुड एक्टिंग ये कोई फील्ड नहीं होता. हाँ, डांस भी मेरे से ही सीखा हो. आई एम जोकिंग. काश आप वो थोड़ा गुरु दक्षिणा करके आधे पैसे मुझे दे देता. आई एम नॉट जोकिंग. यस प्लीज सर, हमारी सांगली में और कॉलेज में कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स एडवाइस जी. देखो भाई, मैं समझता हूँ कि जब मैं आया था फिल्म लाइन में तो लोगों ने मुझे कहा था कि अभी फिल्म इंडस्ट्री बंद होने वाली है. ऐसे बिकॉज मैं आया इसलिए बंद होने वाली है. से नहीं नहीं, तब VHS आ गया था, वीडियो कैसेट. लोग घर में वीडियोस देखते थे. उसके बाद 10 साल के बाद बोला अभी तो 100% बंद होने वाली, बिकॉज CD आ गए. लोग घर में CD देखते, अच्छे क्वालिटी में फिल्म्स देखते. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और भी बड़ी हो गई. फिर TV आया, फिर OTT आई. OTT के बाद आई बाहुबली और पठान. तो फिल्म्स तो हमेशा फिल्म्स ही रहेंगे और थिएटर में ही चलेंगे. लेकिन आज जो हो रहा है, इट इज द गोल्डन टाइम फॉर द फिल्म इंडस्ट्री और आप लोग के लिए द मोस्ट गोल्डन टाइम. बिकॉज एक वक्त ऐसे होता था कि आप सांगली में बैठकर कुछ कर नहीं सकते थे व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स और टू बिकम फेमस. लेकिन आज आप हिंदुस्तान के कौन से भी कोने में बैठकर यू कैन एक्चुअली बिकम फेमस बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक. आप अपनी कला दिखा सकते हो, आपको फॉलोअर्स आएंगे, लाइक्स आएंगे और इंडस्ट्री फिर कंपेल्ड हो जाएगी कि भाई इसको ढूंढ के निकालो, उसको बुलाओ मुंबई में और फिल्मों में डालो. तो आजकल स्ट्रगल करना इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं. सो प्लीज यूज इट वाइजली, इंटेलिजेंटली एंड आई एम श्योर आई सी अ लॉट ऑफ टैलेंटेड गुड लुकिंग पीपल हियर. बहुत बढ़िया. बस मेरे को कंपटीशन नहीं देना और अनन्या को कंपटीशन नहीं देना. यस, और कोई पूछेगा? सो गया ये जहां, सो गया आसमान, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है. ये गाना को शूट करते करते हमें 18 दिन लगे. हमने इसकी शूटिंग मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में की. रात को ही होती थी शूटिंग. और ये शूट करने के बाद जब पिक्चर में डाला गया तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि ये गाने को काट दो बिकॉज ये गाना फिल्म को स्लो कर देती है, स्लो सॉन्ग है. बट एन चंद्रा जी ने कहा आप कुछ भी काट दो मेरी पिक्चर से, लेकिन ये गाना मत काटना बिकॉज अगर ये गाना काट दिया तो लोगों को सर दर्द हो जाएगा पिक्चर देख के, बिकॉज बहुत हैवी पिक्चर थी.
तो मैं बच गया, मेरा गाना रह गया एंड आई थिंक द रेस्ट इज हिस्ट्री। और लोग हमेशा कहते थे तब एक दो तीन, बट मेरे डायरेक्टर कहते थे कि 20 साल के बाद आपका ये गाना याद करेंगे लोग, सो गया ये जहां। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सबको पसंद आया सो गया ये जहां। इस फिल्म के लिए मैं गाना चाहता हूँ लेकिन मेरी आवाज फटी हुई बांसुरी की तरह है। सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिले, ओ सारी मंजिले, रक्षा सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। थैंक यू। और इसी फिल्म में हमेशा गाता हूँ। इसी फिल्म के लिए आपको फिल्म फेयर भी मिला था? नहीं मिला सर। मिला था ना? नहीं मिला। देखो मेरा बैड लक देखो। हाँ। मैं 2-3 बार नॉमिनेट हुआ हूँ लेकिन अवार्ड कभी नहीं मिला मुझे। फाइनल सपोर्टिंग एक्टर मैं नॉमिनेट हुआ था, बट उस साल अनुपम खेर जी को एक विजय पिक्चर के लिए मिली थी, लेकिन मेरी ये सब ख्वाहिशें पूरी होगी जब मेरी अनन्या को बेस्ट डेब्यू में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू यू ऑल फॉर गिविंग हर दैट लव, और हमेशा उसे प्यार करते रहना, बिकॉज ऑफकोर्स मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, बट जब अपने बच्चे कुछ अचीव करते हैं तो और भी मजा आता है। सो किड्स आउट हियर, प्लीज मेक योर पेरेंट्स वेरी 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 प्राउड। यू डोंट नो हाउ हैप्पी एंड हाउ लॉन्ग दे विल लिव जस्ट टू सी यू ऑल डूइंग वेल। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। देखो भाई, मैं समझता हूँ कि जब मैं आया था फिल्म लाइन में तो लोगों ने मुझे कहा था कि अभी फिल्म इंडस्ट्री बंद होने वाली है। ऐसे बिकॉज मैं आया इसलिए बंद होने वाली है? से नहीं नहीं, तब VHS आ गया था, वीडियो कैसेट। लोग घर में वीडियोस देखते थे। उसके बाद 10 साल के बाद बोला अभी तो 100% बंद होने वाली, बिकॉज CD आ गए, लोग घर में CD देखते, अच्छे क्वालिटी में फिल्म देखते। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और भी बड़ी हो गई। फिर TV आया, फिर OTT आई, OTT के बाद आई बाहुबली और पठान। तो फिल्म्स तो हमेशा फिल्म्स ही रहेंगे और थिएटर में ही चलेंगे, लेकिन आज जो हो रहा है, इट इज द गोल्डन टाइम फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, और आप लोग के लिए द मोस्ट गोल्डन टाइम। बिकॉज एक वक्त ऐसे होता था कि आप सांगली में बैठकर कुछ कर नहीं सकते थे व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स और टू बिकम फेमस, लेकिन आज आप हिंदुस्तान के कौन से भी कोने में बैठकर यू कैन एक्चुअली बिकम फेमस बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। आप अपनी कला दिखा सकते हो, आपको फॉलोअर्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, और इंडस्ट्री फिर कंपेल्ड हो जाएगी कि भाई इसको ढूंढ के निकालो, उसको बुलाओ मुंबई में और फिल्मों में डालो। सो आजकल स्ट्रगल करना इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सो प्लीज यूज इट वाइजली, इंटेलिजेंटली, एंड आई एम श्योर आई सी अ लॉट ऑफ टैलेंटेड गुड लुकिंग पीपल हियर। बहुत बढ़िया। बस मेरे को कॉम्पिटिशन नहीं देना और अनन्या को कॉम्पिटिशन नहीं देना। यस। और कोई पूछेगा?